केएल राहुल ने टपकाया कैच, टीम इंडिया ने गवाया मैच। एक पल में हीरो से विलेन बना केएल राहुल। विराज ने अकेले रच दी भारत की हार की कहानी। भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच का जो नतीजा निकला उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस अंदाज में नतीजा निकला वो तो सोच से बिल्कुल ही परे था, लेकिन फिर भी ये हुआ। मीरपुर में बांग्लादेश ने छोटे स्कोर वाले एक रोमांचक मुकाबले में भारत को एक विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने इस मैच में कई गलतियां की, लेकिन फिर भी जीतने की स्थिति में थी। आखिर कहां टीम इंडिया से चूक हुई और कैसे बांग्लादेश ने हार के मुंह से जीत छीनी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल यह मैच कुछ ऐसा हुआ जिसमें बतौर विकेटकीपर खेल रहे भारतीय प्लेयर केएल राहुल एक पल में हीरो से विलेन बन गए। मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की थी। तब टीम इंडिया का कोई बल्लेबाज नहीं चल सका था। उस स्थिति में केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और दमदार 50 लगाई। केएल राहुल ने 70 बॉल पर 73 रन जड़ दिए और टीम इंडिया को 186 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। जबकि शिखर धवन 17 बॉल खेलकर सिर्फ 7 रन ही बना सके, वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने 27 रन तो कोहली ने 9 रन ही बनाए। ऐसे में राहुल फैंस के बीच हीरो बन गए थे, क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया को लड़ने लायक स्कोर तक तो पहुंचा ही दिया था। मगर मैच के आखिर में जब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ एक ही विकेट की तलाश थी, उस वक्त राहुल अपनी ही टीम के लिए विलेन साबित हो गए। आपको बता दें कि बांग्लादेश की बल्लेबाजी भी इस आसान से लक्ष्य के सामने ढह गई थी। मेजबान टीम ने अपने 9 विकेट 136 रनों पर ही खो दिए थे। यहां से फिर मिराज और रहमान ने बाजी पलट दी। भारत को जीत के लिए एक विकेट की दरकार थी। 43वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने मिराज को पवेलियन भेज ही दिया था, लेकिन बीच में केएल राहुल आ गए। मिराज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर हवा में ऊपर खड़ी हो गई। इस मैच में विकेटकीपर की भूमिका निभा रहे केएल राहुल ने उनका कैच लपकने की कोशिश की, लेकिन ये आसान सा मौका उन्होंने खो दिया और मिराज का कैच छोड़ दिया। राहुल ने जैसे ही मिराज का कैच छोड़ा, रोहित ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। रोहित के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अगली ही गेंद पर भी ऐसा ही मौका बना और गेंद इस बार थर्ड मैन पर गई, जहां वॉशिंगटन सुंदर खड़े थे, लेकिन सुंदर ने कैच लपकने की कोशिश तक नहीं की। सुंदर की इस गलती की वजह से मिराज को एक ही ओवर में 2 बार जीवनदान मिल गया। मेहदी हसन मिराज ने इन जीवनदान का फायदा उठाया और नाबाद 38 रन बनाते हुए बांग्लादेश टीम को एक विकेट से मैच जिता दिया। यदि राहुल यह कैच लेते तो बांग्लादेश ऑल आउट हो जाती और टीम इंडिया यह मैच 31 रनों के अंतर से आसानी से जीत सकती थी। जब यह कैच छूटा तब बांग्लादेश को जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी। कैच छूटने के बाद मिराज ने मुस्तफिजुर रहमान के साथ नाबाद 51 रनों की पार्टनरशिप की और मैच ही पलट दिया। दोस्तों, केएल राहुल की विकेट कीपिंग को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।